हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक प्यारा सा DIY टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह के दो ड्रॉवर्स है। ये किसी फर्नीचर के ड्रॉवर्स है जो कबाड़ी की दुकान पे पड़े हुए थे, तो मैं वहाँ से लाया हूँ। ये इसमें कई जगह पे क्रैक हो गई है, देखिए कई जगह से ये काफ़ी बिगड़ चुका है, ये देखिए। लेकिन फिर भी इसकी हालत अच्छी है, तो मैं ले आया इसे। और यहाँ पे मेरे पास इस तरह के चार लेग्स है, वुडन लेग्स। जब मैं गांव गया था तो वहाँ से मैं इसको ले आया था। तो इस ड्रॉवर के नीचे की तरफ ये चार जो लेग्स है उसको मैं इस तरह से फिक्स करूँगा। ये देखिए, ड्रॉवर्स के चारों कोने पे ये लेग्स मैं इस तरह से लगा दूँगा और ऊपर से ड्रिल मशीन के हेल्प से ड्रिल करके इसमें मैं स्क्रू फिक्स करके इन लेग्स को मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये स्क्रू लगा दिए हैं और चारों लेग्स अच्छे से फिक्स हो चुके हैं। ये देखिए, ये जो लेग्स है उसमें भी काफ़ी सारे होल्स हैं। जितने होल्स है और जो ड्रॉवर्स है उसमें जितने भी क्रैक्स है उन सबको मैं फिल कर लूँगा वॉल पुट्टी की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने वॉल पुट्टी ली है और उसमें फेविकॉल और पानी डाल के मैं इसकी अच्छी सी पेस्ट बना लूँगा, देखिए इस तरह से। अब इस पेस्ट को लेके ये जो ड्रॉवर है उसमें जितनी भी क्रैक है उसको मैं इस पेस्ट से फिल कर लूँगा। ये देखिए, जितनी भी क्रैक्स है उनको मैं इस पेज से अच्छे से फिक्स कर लूँगा। अब लेग्स में जो होल्स है उनको भी इस पेस्ट से, ये देखिए इस तरह से इसको फिल कर लूँगा। ये देखिए, इस तरह से इसको फिल करने के बाद आपको बिल्कुल पता नहीं चाहिएगा कि कहाँ पे जो होल्स थे वो कहाँ पे हैं। एक बार ये सूख जाए तो उसके बाद सैंड पेपर की हेल्प से इसको रब करके स्मूथ कर लेंगे। अब यहाँ पे वाइट इमर्शल पेंट ले रहा हूँ और पूरे टेबल को इससे पेंट कर लूँगा। ये देखिए, दो कोट पेंट करने के बाद ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में हो गया है। ये देखिए, इसमें जितनी भी क्रैक थी वो सारी अब फिल हो चुकी है। अब इसको मैं पेंट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का स्टेंसिल यूज़ किया है जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है इसमें, इटालियन टाइल्स की जो डिज़ाइन है उसी टाइप की ये डिज़ाइन है। तो इस स्टेंसिल में चेक टाइप की डिज़ाइन दी हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे टेबल के अंदर छह टाइप के इस तरह से बॉक्स बना दूंगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं अलग अलग एक्रेलिक कलर ले रहा हूँ। यहाँ पे 12 जो बॉक्स है वो बने हुए हैं, तो मैं 12 कलर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो एक एक करके सारे बॉक्सेस को मैं इस एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लूँगा। अगर आपके पास मास्किंग टेप है तो आप वो भी लगा सकते हैं जिससे कि कलर अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए, रेड कलर हो चुका है। अब दूसरे बॉक्स में मैं यहाँ पे ग्रीन कलर कर रहा हूँ, पैरेट ग्रीन, देखिए। तो इस तरह से सारे 12 के 12 बॉक्स में मैं अलग अलग कलर पेंट कर दूँगा। तो यहाँ पे सारे बॉक्स हमारे पेंट हो चुके हैं, तो जो स्टेंसिल था उस स्टेंसिल की हेल्प से मैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाऊंगा। तो स्टेंसिल को लेके हमें यहाँ पे इस तरह से रख देना है और उसके ऊपर स्पंज की हेल्प से हमें पेंट लगा के ये जो डिज़ाइन है उसको हमें प्रिंट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से स्टेंसिल को रखना है
और इस तरह का स्पंज लेके उस पर वाइट पेंट लेना है और स्टेंसिल की जो डिज़ाइन है उसके ऊपर इस तरह से इसको टैप करना है। इस तरह से हल्के हल्के से हमें टैप करना है जिससे कि ये जो प्रिंट है वो इस तरह से हो जाएगी। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अब इसके जो लेग्स है उसको भी मैं पेंट करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन बना रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से पेपर के ऊपर मैंने ये डिज़ाइन बना ली है, तो इसको अब लेग्स के ऊपर मैं प्रिंट करूँगा। इस तरह से इसको रख के इसकी आउटलाइन को मैं पेंसिल से ड्रॉ कर लूँगा। ये देखिए ड्रॉ हो चुकी है यहाँ पे डिज़ाइन। अब इसमें मैं कलर फिल करूँगा, यहाँ पे मैं पिंक कलर ले रहा हूँ। ये देखिए पिंक कलर हो चुका है। जो दूसरी डिज़ाइन है उसमें मैं पैरेट ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए पैरेट ग्रीन भी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ये वायलेट कलर है वो ले रहा हूँ। देखिए ये भी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपने कलर चॉइस के हिसाब से कलर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये एक्वा कलर ले रहा हूँ। सारे कलर एक्रेलिक कलर है। अब यहाँ पे मैं येलो कलर कर रहा हूँ। ये देखिए सारे कलर हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो बॉटम का एरिया है वहाँ पे मैं डार्क ब्लू कलर पेंट करूँगा। ये देखिए ब्लू कलर भी हो चुका है। अभी यहाँ पे वाइट कलर लेके इस तरह से डॉट बना रहा हूँ। तो वाइट कलर से डिटेलिंग करने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से मैं डिज़ाइन के ऊपर डॉट लगा रहा हूँ वाइट कलर से। ये देखिए डॉट लगने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से कलर के ऊपर मैं वाइट कलर से डिटेलिंग करूँगा जिससे कि ये जो कलर है वो और उभर के आएंगे। ये देखिए सारी डिटेलिंग हो चुकी है यहाँ पे। अब टेबल का जो ये टॉप पार्ट है उसके ऊपर भी मैं कलर करूँगा। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है उसी के साइज में मैं यहाँ पे लाइन बना रहा हूँ और इसको अलग अलग कलर से मैं पेंट करूँगा। ये देखिए इसकी ऑपोजिट साइड पे मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं पूरी पट्टी को पेंट करूँगा। ये देखिए कलर हो चुका है। काफ़ी कलरफुल और काफ़ी प्यारा ये टेबल लग रहा है। अब दोनों कलर के बीच में यहाँ पे मैं इस तरह से वाइट पेंट से डॉट बना रहा हूँ। ये देखिए सारी जगह पे मैंने डॉट लगा दिए हैं। अब लेग्स में यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको चेंज कर लिया है और उस पर वाइट डिज़ाइन बनाई है। यहाँ पे ये हमारा टेबल बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप इसके ऊपर एक प्लेन ग्लास भी रख सकते हैं या ऐसे ही इसको सजा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।